It is the suit for declaration. Cancellation of mutation number 3986 and 3987, dated 14/4/2004, and recovery of possession. First of all, sir, I have to argue this case on the application or under order 39 CPC. मैंने इसमें इनिशियली जो पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन है ऑनरेबल कोर्ट के लिए वो कर दिया. सबसे पहला पॉइंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो इस केस में है, वेदर द प्रीडिसेसर ऑफ डिफेंडेंट नंबर वन नेमली अब्दुल मजीद कुरैशी वॉज नॉट द लीगल हेयर्स ऑफ रहमत जान और ही वॉज द हस्बैंड ऑफ मुमताज़ बेगम डॉटर ऑफ मोहम्मद हुसैन. सबसे पहला जो है कि रहमत जान हमारी जो दादी थी उनके वारसान में अब्दुल मजीद नाम का कोई बंदा शामिल नहीं है. ये 2004 में जो म्यूटेशंस हुई हैं उनमें ये चेंजिंग की गई है. मैं ऑनरेबल कोर्ट को भी आगे जाके असिस्ट करता हूँ. अब सबसे पहले मैंने ऑनरेबल कोर्ट को असिस्ट करना है कि रहमत जान बेसिकली कौन थी. ये अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ पेज नंबर 5 लेंट का जी. पेज नंबर 5 में मैंने शजरा अपना बना दिया है जिसमें रहमत जान है जो डॉटर हैं अब्दुल्ला की और खानमा की. अब रहमत जान की जो वारसान हैं उनमें से काजम दीन हैं और काजम दीन जो के हमारे दादा हैं प्लेंटिप्स के दादा हैं. काजम दीन के बेसिकली तीन ही औलाद थी. नंबर 1 ग़ुलाम मुर्तज़ा जो हमारे फादर हैं. नंबर 2 मुख्तियार जान जो इशूलेस डाइड हुई तो उनके हद तक रह गए, यानी 2 मेन वारसान रह गए. उनकी दूसरी जो महबूब जान उनकी बेटी थी उनमें भी से भी प्लेंटिप्स हैं. हम प्लेंटिप्स जो हैं वो इनके लीगल हेयर्स हैं. इस पूरे शजरे में ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएँ कि कहीं भी अब्दुल मजीद यानी डिफेंडेंट जो प्रीडिसेसर हैं इनके वो कहीं भी शामिल नहीं हैं. बेसिकली अब्दुल्ला जो थे वो फौत हुए. अब्दुल्ला की आगे अब्दुल्ला ने 2 शादियाँ की हुई थी अल्फा से और वो आगे मैं ऑनरेबल कोर्ट को रिकॉर्ड दिखाता हूँ उसमें आएगा. अब आगे अगर पैरा नंबर 6 में मुलाहिज़ा फरमाएँ तो अब्दुल मजीद कुरैशी जो डिफेंडेंट हैं उनके फादर हैं ग़ुलाम हुसैन और ये ग़ुलाम हुसैन में से बेसिकली 2 बेटे थे जो हमारे ट्री में किसी भी जगह एग्जिस्ट नहीं करते. अब मैंने ऑनरेबल कोर्ट को ये सिर्फ इसमें असिस्ट करना है कि बेसिकली ये कहाँ से इसकी लीगल वैल्यू बनी. ऑनरेबल कोर्ट सिर्फ मुलाहिज़ा फरमा लेंगे खसरा नंबर जो डिस्प्यूटेड म्यूटेशन है. मैंने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आगाज़ में मैंने डेथ सर्टिफिकेट लगा दिए हैं अब्दुल्ला का. नंबर 2 उसके बाद उनकी जो खानम जान है उनकी बीवी उनका लगाया है. नंबर 3 जो 3985 है जो डिस्प्यूटेड यहाँ पे म्यूटेशन है उसमें ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो यहाँ पे आके जो फ्रॉड कमिट हुआ है अब्दुल्ला खानमा और अब्दुल्ला की जो बेटी हैं रहमत जान उनके वरसान में ग़ुलाम हुसैन को शामिल कर लिया गया जो डिफेंडेंट के दादा हैं उनको शामिल कर लिया गया जो कि यहाँ पे इससे पहले किसी जगह एग्जिस्ट ही नहीं करते. अब ये जो म्यूटेशन हो रही है 3885 और 3983 ये 2 जो 3986 ये जो म्यूटेशन हो रही हैं ये बेसिकली इसमें मुलाहिज़ा फरमाएँगे कि जनाब अली विरासत मुतवफ़ी अब्दुल मजीद तारीख वफात 7/4/89 ये 89 में फोत हुए और इनकी विरासत जो आगे हुई है अगले पैरा में लास्ट जो इनका कॉलम है उसमें मुलाहिज़ा फरमाएंगे रपट नंबर 474 के जरिए 11/3/2004 को हुई. इससे पहले इनकी विरासत नहीं थी. अब इसमें इसके साथ आगे अगर मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो मैंने डेथ सर्टिफिकेट रहमत जान जो बेटी हैं अब्दुल्ला की रहमत जान का डेथ सर्टिफिकेट इसमें लगाया. उसके आगे रहमत जान और काजम दीन का जो बेफाम है पुराना जो रिकॉर्ड था वो लगाया. उसके आगे वो काजम दीन का लगाया. अब इससे आगे अगर मुलाहिज़ा फरमाएंगे तो मैंने अपना ओल्ड बेफाम जो था जो पहले हुआ करता था वो लगाया जिसमें हम ग़ुलाम मुर्तज़ा बल्द काजम हैं बाकी जो प्लेंटिव सारे हैं उनको शामिल किया. और इसमें मुलाहिज़ा फरमाएंगे जो कॉलम नंबर 7 है उसमें रहमत जान बेवा अब्दुल्ला है. अब इसी को अगर आगे मुलाहिज़ा फरमाएंगे मैंने FRC लगा दिया है. FRC में ग़ुलाम मुर्तज़ा के जितने वारसान हैं वो हम सारे इसमें आते हैं. ये प्लेंटिव सारे प्लेंटिव सब हैं उनका FRC लगा हुआ है. इसमें
जो जहाँ से मेरे ये तो सारा रिकॉर्ड है और ये नेसेसरी डॉक्यूमेंट थे, इसमें अगर ऑनरेबल कोर्ट म्यूटेशन नंबर 361 अगर मुलाहिजा फरमाएंगे, आगे म्यूटेशन नंबर 361 लगा है जो बेसिक डॉक्यूमेंट है हमारा, जिससे आगे चल के ये सारे इंतकालात होते हैं जी। म्यूटेशन नंबर 361, इसमें खानमा बेवा अब्दुल्ला, अब उनके आगे नीचे उनके वारसान हैं। इसकी बैक साइड पे अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमाएंगे, इसकी बैक साइड पे पूरा शजरा हमारा बना हुआ है 361 की बैक साइड पे, या इसमें रेवेन्यू साइड पे आगे रिपोर्ट तहसीलदार है एक। मैंने जब रेवेन्यू को किया तो उन्होंने कहा ये क्योंकि ये फ्रॉड का एलिगेशन है तो ये जुरिस्डिक्शन रेवेन्यू ऑफिसर की नहीं बनती। इसमें ये एक रिपोर्ट है जो तहसीलदार की है जी, यही है। इसकी लास्ट फोर्थ लाइन अगर ऑनरेबल कोर्ट मुलाहिजा फरमाएंगे तो वो कहता है कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुसम्मात खानमा बेवा अब्दुल्ला के हकीकी वारसान में रहमत जान सरवर जान दुख्तर खानमा और रहमत जान के हकीकी वारसान में गुलाम मुर्तजा मेरे दादा, गुलाम मुर्तजा पिसर महबूब जान मुमताज़ बेगम दुख्तरान रहमत जान जिनके डेथ सर्टिफिकेट ऑफ अर्सी मजकूरान इंतकलात की कापियाँ लाफ रिपोर्टें विरासत इंतकाल 361/3986/5285 नज़रसानी हो तो सैल की दादरसी मुमकिन है। अब उसने ये कह दिया जी कि अगर इसमें इसकी नज़रसानी की जाए, अब इसमें अगर आगे ऑर्डर मुलाहिजा फरमा ले 9/7/2004 का जो ऑर्डर है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू का, इसमें अगर पैरा नंबर 2 की लाइन नंबर लास्ट 2 लाइन्स हैं उसमें यही कहा गया कि रिकॉर्ड के मुताबिक मुसम्मात खानमा बेवा अब्दुल्ला के हकीकी वारसान में ग़ुलाम मुर्तजा पिसर महबूब जान और ममराज बेगम दुख्तरान रहमत जान जिनके डेथ सर्टिफिकेट लफ हैं, और उसमें भी उन्होंने इसके मुताबिक यही कर दिया। लेकिन आगे उन्होंने ये फरमाया पैरा नंबर 4 में, उसमें कहा कि बेस्ट कौंसिल फ्रीकैन की रोशनी में रिकॉर्ड मुलाहिजा किया गया मामला शहादत तलब है और दरीना है। फ्रीकैन के कीमती हकूक वाबस्ता इंतकाल नंबर 5285 से विरासत बहुकम डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेवेन्यू 11/4/2005 है जिसको मजाज फोरम पर चैलेंज करना चाहिए था जो कि ना किया, लिहाजा दरख्वास्त साहिल खारिज की जाती है और साहिल को हदायत की जाती है कि वह सिविल कोर्ट से रिजू करके वह दादरसी हासिल करे। इस तमाम प्रोसीडिंग में मेरा राइट को डिटरमिन कर लिया गया और मेरे राइट को मान भी लिया गया कि बेसिकली ये किसी रिकॉर्ड में किसी जगह अब्दुल मजीद जो है वो हमारे शजरे हमारे ट्री में मौजूद ही नहीं है। अब्दुल मजीद को आगे जाके उस उन्होंने ये किया कि रहमत जान के वारसान में डाल दिया, उसका बेटा बना के आगे हमें वो ग़ुलाम मुर्तज़ा को काट के रहमत जान अब्दुल मजीद को डाल दिया गया। पूरे इस प्रोसीडिंग में भी वो आते रहे, वो अपना शजरा पूरी प्रोसीडिंग में जो रेवेन्यू में था पेंडिंग था उसमें किसी जगह वो अपना कोई शजरा आके कनेक्ट नहीं कर सके, कोई लीगल हेयरशिप नहीं लगा सके। इवन अदरवाइज ऑनरेबल कोर्ट में क्योंकि आज वो ऑर्डर 39 के लिए मैंने प्राइम ऑफ शाही अपना केस प्रूव करना है तो FRC से और रेवेन्यू रिकॉर्ड से 361 जो है उसके मुताबिक अब्दुल्ला जान अब्दुल्ला के वारसान में जो लोग हैं उनमें हम ही आते हैं, प्लेंटिफ्स आते हैं, डिफेंडेंट्स उसमें कहीं भी नहीं है। इवन अदरवाइज फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट वो आते हैं रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं और रिटर्न स्टेटमेंट में वो अपना रिकॉर्ड मेंशन कर देते हैं, उस सूरत में भी आके जब मेरा तो प्राइम ऑफ शाही केस इस रिकॉर्ड से साबित हो जाता है कि मैं मालिक हूँ, हम वारसान हैं और फ्रॉड के ज़रिए अब्दुल मजीद को लीगल हेयर शो करके रहमत जान का हमें डिप्राइव किया गया है। मैंने ऑनरेबल कोर्ट को सिर्फ प्राइम ऑफ शाही ये प्रूव करना है कि हम लीगल हेयर्स हैं और हमें डिप्राइव किया गया। अदरवाइज़ भी वो जो आते हैं तो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इस हवाले से भी है, अभी क्योंकि सारी प्रॉपर्टी अभी तक इस प्रॉपर्टी में फर्दर पार्टीशन नहीं हुई और अभी तक कोई पार्टीशन मौजूद नहीं है जी सर जी।